पूजा भगवान की व्रज में हो रही है प्यारी, वो भी आनंद है। भगवान यहाँ दिव्या दिव्य लीला कर रहे हैं। अच्छा देखो, एक दिन की बात है, नंद बाबा ने जो है एकादशी का व्रत किया है। अच्छा, व्रत सबको करना चाहिए। बोलो राधे राधे, पीछे से आवाज आना चाहिए, राधे राधे। एकादशी का व्रत, क्या सुंदर व्रत है साहब। कोई भी व्रत करो नियम से करना चाहिए। अच्छा, हम लोग व्रत कैसे करते हैं? कोई कल एकादशी है या कल शनिवार का व्रत करना है तो आज इतना खा लो कि कल खट्टे डकार आने चाहिए। नहीं? ऐसे व्रत नहीं है। या कल एकादशी थी तो कल एकादशी का व्रत किया था तो कल की पूर्ति आज करो, ऐसा भी होता है। ऐसा व्रत नहीं होना चाहिए। या फिर व्रत रहा, अब भूख लगी है, व्रत है तो क्या करें, तो पड़ोसी के यहाँ चले गए और पड़ोसी के यहाँ जाकर केवल कभी उसकी निंदा, कभी उसकी निंदा, कभी उसकी निंदा। अच्छा, ये निंदा एक ऐसी है, इससे मन नहीं होता। आप देखना, बहुत जल्दी समय पास हो, किसी की निंदा बस पकड़ ली, आपने समय का पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा व्रत नहीं। उपवास का अर्थ क्या है? उप माने समीप, वास माने निवास। जिस देवता के नाम से हमारा आपका उपावास है प्यारे, उस देवता के सन्निकट सन्निधि में ही हमारा मन निरंतर रहता रहे, पूरा दिन उसका स्मरण करता रहे, समझ लेना वो उपवास सार्थक हो जाता है। इसलिए उपवास निरंतर हमें जो है कोई एक व्रत का अवश्य करना चाहिए, और उसमें भी एकादशी व्रत की तो बड़ी महिमा है। क्या सुंदर एकादशी का व्रत। नहीं तो एक बार एक परिवार में एक सज्जन थे साहब, कभी जो है कि हाँ इतना खाते थे ये सज्जन, 2.5 किलो आटा की रोटी अकेले खाते थे। अब 2.5 किलो आटा की रोटी अकेले खाएं तो परिवार में बनाने वाले भी सोचे कि ये 2.5 किलो आटा की रोटी अकेले खाते। तो ऐसे इस प्रकार से जो है अब इनको कोई पूछता भी नहीं था। एक बार जो दे दिया सो दे दिया, अभी चाहते थे कि और लाओ तो कोई इनके तरफ देखे ही ना, कौन मना करेगा ही नहीं, तो कोई देते ही नहीं। सोचते सुने सोचा, भाई अब क्या करें क्या करें, कि पूरा पेट हमारा भरता नहीं घर में। तो किसी ने बताया कि महात्माओं के यहाँ बड़ा भंडारा होता है, खूब बढ़िया भंडारा होता है। तो हमने सोचा काय को अपने राम घर में पड़े रहे, जबरदस्ती भरपेट रोटी मिलती नहीं है, एक काम करो ना, बोले महात्माओं के यहाँ चले जाओ, तो वहीं बाबा जी से दीक्षा ले लेंगे, वहीं आनंद से बढ़िया भोजन होगा। तो इस प्रकार से चले गए कहाँ, आश्रम में। और जब आश्रम में गए हैं ये, तो आश्रम में जाकर के गुरु जी से कहा, महात्मा जी हाँ हमें चेला बना लो। महात्मा जी ने कहा, भाई घर यहाँ तो बहुत से चेला है। नहीं नहीं, हम भी चेला बनना चाहते हैं। बोले किस लिए बनना चाहते हो? नहीं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें चेला बना लो। महात्मा जी ने कहा, चलो बहुत से चेला है, चलो तुम भी बन जाओ चेला। इसको चेला बना लिया। आश्रम में रोज भंडारे, कोई ना कोई भगत आता, बढ़िया मात हुआ, कचौड़ी पकौड़े इसने कहा, अरे वाह आश्रम में तो आनंद है। कहा घर में रहते थे झूठ से रोटी नहीं मिलती थी, तो प्यारे यहाँ आश्रम में बढ़िया बढ़िया भोजन मिले उसे। एक दिन की बात है, इसने देखा कि आश्रम में चूल्हा नहीं जल रहा है। सुबह गया भंडारे में, गया भैया भंडारे जी क्या बन रहा है? आज कुछ नहीं बनेगा। तो कुछ नहीं बनेगा? बोले नहीं, क्यों नहीं बनेगा? बोले इसलिए नहीं बनेगा कि आज एकादशी है, और एकादशी में कुछ नहीं बनता आश्रम में, अंधेरा हार रहना पड़ता है, अन्न नहीं खाते आज, इसलिए एकादशी व्रत। ये दौड़ते आया गुरु जी के पास, गुरु जी बड़ा उदास, गुरु जी बोले हाँ बेटा, बोले गुरु जी आज आश्रम में कुछ नहीं बनेगा क्या? आज आश्रम में कुछ नहीं बनेगा? गुरु जी ने कहा, नहीं आज कुछ नहीं बनेगा आश्रम में। बोले क्यों नहीं बनेगा? बोले इसलिए आश्रम में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी। गुरु जी कुछ नहीं? बोले नहीं, आज सबको एकादशी करना पड़ेगा। बोले हाँ बेटा, सबको एकादशी करना है आज। तो गुरु जी ऐसा करो ना, और भी तो चेला है एकादशी करने वाले, इनसे करा लो, हमें तो छोड़ दो। बोले क्यों बेटा? नहीं गुरु जी, हम व्रत तो कर नहीं सकते, बिना खाए हम रह नहीं सकते। अच्छा तो तुम ही कर। नहीं गुरु जी, हमसे एकादशी व्रत नहीं बनेगा। गुरु जी हमें भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। बोले भोजन की व्यवस्था? बोले हाँ। तो कैसे भोजन की व्यवस्था? तो एक काम करो गुरु जी, हमें राशन दे दो तो हम बाहर जाके बना के खा लेंगे, पर भूखे नहीं रहेंगे।
गुरुजी ने कहा अच्छा बाहर जाके खाई का बोले हाँ तो कोई बात नहीं, कुठारी जी को बुलाए जरा भाई इनको जो इच्छा हुई इनके हिसाब से राशन दे दो। तो बढ़िया से इसने लिया 5 किलो आटा, उसी हिसाब से आलू, उसी हिसाब से दाल ले लिया, राम रस इत्यादि ले करके और ये चला। और जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी ने कहा सुन बेटा, बोले क्या 2.5 किलो खाता था तो नाम भी था इसका क्या अढ़ैया, लोग इसे अढ़ैया कहते थे, 2.5 किलो खाता तो नाम भी अढ़ैया हो गया। बोलो राधे राधे। तो बेटा जा रहा है, बोले हाँ गुरु जी जाएंगे वो घड़ी बना के खाएंगे। तो बेटा जा रहा है लेकिन एक बात याद रखना, भोजन बनाएगा और जब भोजन करने लगेगा ना तो भोजन जब बन जाएगा पूरा, भोजन करने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना, भगवान को भोग लगा के ही खाना। इसने कहा जो आज्ञा गुरु जी। और बढ़िया गया और जंगल में गया, नदी के किनारे बैठ गया और नदी के किनारे बैठ करके बढ़िया 5 किलो आटा ले गया, बढ़िया से भोजन बनाया, खूब मेहनत से सोचा कौन आश्रम में रहता और भूखे रहना पड़ता दिन भर, बढ़िया गुरुजी ने दे दिया राशन। तो बढ़िया बनाया यहाँ के भोजन और जब भोजन बन गया खाली सामने लगा लिया है तो गुरुजी की बात स्मरण में आई, गुरुजी ने कहा है कि भगवान को भोग लगा के खाना, वैसे ही नहीं खाना, भूख तो बड़ी जोर से लगी पर गुरु जी की बात भी तो माननी पड़ेगी। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के वाक्य मंत्र के समान होते हैं, एक एक वाक्य गुरु के जो है वो मंत्र है, श्री गुरु के वाक्यों में श्रद्धा हो। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम अढ़िया के मन में आया, गुरु जी ने कहा है भगवान को भोग लगा करके खाना, भूख तो लगी है लेकिन नहीं नहीं पहले मुझे भगवान को भोग लगाना है। वो साफ सामने थाली रखी है और अढ़ैया जो है प्यारे बैठ गया, हाथ जोड़ करके बैठा और भगवान का स्मरण करने लगा, कहने लगा क्या मेरे राम आओ जी। अढ़ैया ने कहा हे राम आ जाओ प्यारे, मेरे राम आओ जी, प्यारे श्याम आओ जी, मेरे भोजन का हो सामने राम जी खड़े हैं।
राम जी खड़े हैं प्यारे, और जैसे राम जी को देखा अड़हैया ने, फिर उन राम जी के बगल में देखा और जैसे देखा, और फिर भोजन की तरफ देखा, फिर राम जी की तरफ देखा, फिर भोजन की तरफ देखा, फिर राम जी के बगल में देखा। भगवान कह रहे अरे अड़हैया देख क्या रहा भाई, भोजन करा। बोले अभी चुप रहो, खड़े रहो। बोले क्यों? बोले ये बताओ गुरु जी ने एक के लिए कहा था, तुम दो क्यों आए? ये साथ में आए जो कौन है, ये साथ में आए कौन है ये? राम जी ने कहा हमारे भैया है लक्ष्मण जी। क्या आपके भैया लक्ष्मण जी है? बोले हाँ लक्ष्मण जी हमारे भैया है। बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं गुरु जी ने एक के लिए बोला था ना। अच्छा ये बताओ राम जी ये आपके भैया है? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ सगे भैया है आपके? ये अब सगे हैं जब तो आए हैं, नहीं तो कैसे आ जाते हैं? बोलो राधे राधे सगे ही तो है भाई। नहीं नहीं इसलिए हमने पूछा कि गुरुजी ने एक के लिए कहा था, अगर गुरुजी दो के लिए कह देते थोड़ा राशन बढ़ा के ले आते। अब क्या है दो का भोजन आया था, तीन हो गए ना, तो हमें भूखा रहना पड़ेगा ना। राम जी मुस्कुराने लगे। अच्छा कोई बात नहीं, अब अड़हैया ने कहा तो पहले बताना चाहिए ना। अच्छा ठीक है भाई गए हो तो खाई लो, अब क्या करे। अड़हैया ने कहा चलो राम जी तुम भी पालो, अच्छा लक्ष्मण जी तुम भी पालो, अब सबको पवाया है और जो बचा है अड़हैया ने खाया। अड़हैया थोड़ा भूखा रह गया, आश्रम गया है अड़हैया। फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, सुबह सुबह पहुंच गया गुरु जी गुरु जी गुरु जी आज एकादशी है। बोले हाँ क्या बेटा व्रत रहने का विचार है क्या आज? नहीं गुरु जी सो तो हमसे नहीं बनेगा। बोले क्या गुरु जी हम ये कहने आए हैं कि इस बार थोड़ा सा राशन बढ़ा दो, राशन थोड़ा बढ़ा के दे दो। अच्छा राशन बढ़ा के? बोले क्यों? बोले इसलिए राशन बढ़ा के दे दो कि जो है ना पिछली बार आपने एक के लिए कहा था तो दो आए थे, अब मना भी नहीं कर सकते ना गुरु जी, आपका सवाल था तो राशन बढ़ा दो। गुरु जी ने कहा एक काम करो बुढ़ारी जी चलो भाई पिछली बार कितना दिया था? बोले 5 किलो आटा। अच्छा जो मांगे उसने कहा 10 किलो दो, 10 किलो पिछले बार हम भूखे रहे 10 किलो आटा, तो उसी हिसाब से राशन राम इत्यादि लेके चला। फिर गया है वन में जाकर के किनारे अड़हैया बैठ गया और बढ़िया जाकर के सुंदर जो है 10 किलो आटा की रोटी बनाया, दो वो रहेंगे और एक अपन बढ़िया आनंद हो जाएगा। तो बढ़िया 10 किलो आटा की रोटी बनाने में बहुत मेहनत लगी और साफ 4 बज गया रोटी बनाने में, और 4 बजा है फिर बैठा, अब बुलाना पड़ेगा भगवान को खिलाना पड़ेगा। तो फिर अड़हैया कहने लगा क्या मेरे राम आओ जी लक्ष्मण साथ लाओ जी मेरे भोजन का भोजन कराओ जी, मेरे राम आओ जी लक्ष्मण साथ लाओ जी मेरे भोजन का भोजन कराओ जी, मेरे भोजन का भोजन कराओ जी आप। जैसी अड़हैया ने बुलाया है भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, अड़हैया ने पुकार लगाई है आंखें बंद भी पुकार रहा है भगवान आए। भगवान ने कहा अड़हैया आंखें खोलो हम आ गए, आंखें खोलो हम आए हैं। अब जैसे अड़हैया ने आंखें खोला तो आंखें खुली की खुली रह गई। अड़हैया क्या देखता है राम जी के साथ लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी के साथ में जो है भरत जी है, भरत जी के साथ में जो है शत्रुघ्न लाल जी है। अड़हैया ने देखा देखा इधर देखा फिर इधर फिर देख रहा क्या अरे और क्या देखता है, थोड़े पीछे से देखा तो कहीं राम जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी सीता जी भरत जी हनुमान जी अंगद जी नल जी नील जी। अड़हैया ने देखा अरे राम जी की तरफ देखा सबके तरफ फिर भोजन की तरफ, भाई क्या कर लिया इन्होंने इधर भी देखा इधर इधर। फिर भगवान ने कहा हमें भूख लगी जल्दी खिलाओ अड़हैया। भगवान ने कहा चुप रहो, भगवान ने कहा जल्दी खिलाओ अड़हैया कहता चुप रहो अभी। बोले क्यों चुप रही खिलाओ ना तुमने बुलाया, एक बात बताओ। भगवान बोले क्या? बोले ये बताओ कि जो है इतने सब आए, ये बताओ कि इतने सब क्यों आए हो, एक बात बताओ भगवान। हमने आपका ठेका लिया कि पूरे आपके खानदान का ठेका लिया है? इतने सब को लेके क्यों हम भूखे रह गए? तो चलो थोड़ा थोड़ा खाओ और खिलाया साहब। अगली एकादशी आई फिर एक बोरी आटा लेके आया। गुरु जी ने सोचा इतना तो नहीं खाता होगा, बेचता होगा, ये बेचता होगा जरूर से।
अच्छा इसको जाने दो, देखेंगे कि किसको भेजता है। तो इसके पीछे पीछे गुरुजी भी आए। गुरुजी छिप करके देखने लगे। इसने सारा राशन लाया, लाकर के विचार किया कि पहले गोला लोग कितने आ रहे हैं, मैंने तो बना के रख लिया, और ज्यादा पहले गोला लेते फिर इसके बाद बनाएंगे। और जैसे फिर बुलाया है मेरे रामिया